डॉक्टर रोहित लाहौरी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार सर। इकरा 10 2021 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला, अचीवमेंट मिला है। हाउ डू यू फील? विनोद जी, वो सर्टिफिकेट मेरे लिए अकेले के लिए नहीं थी, सर्टिफिकेट फॉर द होल J&K और पर्टिकुलरली जम्मू के लिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिली थी वो मिली थी बेस्ट लो कॉस्ट पेन ट्रीटमेंट अवार्ड का। तो वो जो लो पेन का ट्रीटमेंट लो कॉस्ट पे है, वो सर्टिफिकेट जाती है जम्मू एंड कश्मीर को, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, हेल्थ सेक्टर को, जहां पे इस टाइप का एक विभाग बना है, जहां पे हम सबसे लो कॉस्ट पेन ट्रीटमेंट ग्लोबली जो उन्होंने एक्रेडिट किया, तो उस हिसाब से उन्होंने दिया था। पैलेटिव केयर को लेकर के लोगों को नॉलेज नहीं थी। अब आपके पास कितने मरीज रूटीन में आ रहे हैं, और कैसा आपको लगता है कि कितने लोगों में अवेयरनेस इसको लेकर के आ रही है? हाँ विनोद जी, अवेयरनेस तो अब आ रही है। पहले जब आज से पहले हम एक दो साल पहले बहुत स्ट्रगलर्स थे इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पैलेटिव केयर का। जब ये कॉन्सेप्ट गांधीनगर में फर्स्ट टाइम आया तो हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, बट अब मुझे लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। पर्टिकुलरली जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं, उन्होंने इस ब्रांच को फुल्ली रिकॉग्नाइज किया है कि पैलेटिव केयर की जरूरत है टर्मिनली इल पेशेंट्स में। इनफैक्ट उन सब पेशेंट्स में जो टर्मिनली इल होते हैं, उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए पैलेटिव केयर की जरूरत है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि वो अब इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं फुली एज एन सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, उत्तर भारत का ये पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें पैलेटिव केयर सेंटर है, तो आपको कितना फील होता, मतलब आप पर भरोसा किया है? विनोद जी, भरोसा तो है, आप सब लोगों का भरोसा है, गवर्नमेंट का भरोसा है, एवरीवेयर डिफरेंटली इस पे तो है। कुछ चैलेंजेस भी होती हैं, जब कोई चीज़ नया होता है तो आपको पता है कि चैलेंजेस होती हैं, तो चैलेंजेस को पार करना थोड़ा सा हर्डल्स हो जाता है। पर इनिशियली हम लोग में थोड़ी सी स्ट्रगलिंग थी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि हम लोगों ने कूप अप कर लिया है, और अब ये बहुत अच्छा एक देखिए, हम जैसे आपने पूछा था कि कितने पेशेंट्स होते हैं, तो हम पर डे 2 या 3 पेशेंट्स पैलेटिव केयर के एडमिशन में शो करते हैं, जो हमारे पास एडमिशन होती है, जिनको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओपिओइड्स फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, स्टेट ऑफ आर्ट हमारी जो नर्सिंग है वो भी है हमारे पास, तो वो बहुत बढ़िया है। पैलेटिव केयर भी अपनी जगह बहुत बढ़िया चल रहा है, और हमारा जो पेन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। स्ट्रेंथ कितनी है बेड्स की आपके पास? स्ट्रेंथ की है? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि ज्यादा बेड्स की जरूरत अभी नहीं? जो हमारे पास गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NPPC की गाइडलाइंस है, नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पर पैलेटिव केयर स्टार्ट करना है, वहां पे 10 बेड्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ये J&K का फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसकी 10 बेड्स की फुल स्ट्रेंथ है, और सारे इक्विपमेंट्स और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सारा इंटैक्ट है, और हमारे पास है वो सब चीजें। डॉक्टर रोहित, आपको लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होना चाहिए, या एटलीस्ट कश्मीर प्रोविंस में श्रीनगर में भी होना चाहिए? हाँ, ऐसा है विनोद जी कि बिल्कुल श्रीनगर में स्टार्ट कर चुके हैं हम। अब जो इस पिछले फेज में हमने 3 जगह डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, 3 जगह पे हम हॉस्पिटल्स को हमने नोटिफाई कर दिया है, तो वो सब जगह चल रहा है अंडर NPPC प्रोग्राम में ही। इनफैक्ट हम जम्मू में भी एक और डिस्ट्रिक्ट में भी अब ये जो है फोकस कर रहे हैं NPPC को, जो फार रिच एरियाज है उन पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, पेन और पैलेटिव केयर जो है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये एक ही विभाग के 2 हिस्से हैं, पर जब हम पेन, क्रॉनिक पेन की बात करते हैं या मैलिग्नेंट पेन की बात करते हैं, तो मैलिग्नेंट पेन जो है वो आ जाती है पैलेटिव केयर में, और जो क्रॉनिक पेन्स आ जाती है वो इंटरनेशनल क्रॉनिक पेन्स में आ जाती है, तो वो अलग अलग उसमें 2 सिस्टम है। वहां पे सब जगह पे पैलेटिव केयर सिस्टम ही चलेगा जी। जब हम पेन की बात करते हैं तो हम उसका आंकलन करते हैं कि अगर टांग में दर्द हो रही है तो आर्थो वाला ही करेगा, या किसी टूथेक हो रही है तो वो डेंटिस्ट ही करेगा, लेकिन कई बार वो पेन नहीं जाती है, ऐसे पेशेंट को आपके पास कांटेक्ट करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए? विनोद जी, हम हमेशा, मैं आपके माध्यम से और इनफैक्ट इंटरनेशनल मंचों पे भी और नेशनल मंचों पे भी एक ही बात बताता हूँ कि जो क्रॉनिक पेन होती है, क्रॉनिक पेन का मतलब है वो पेन जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया, 1 महीने के वक्फे के बाद का पेन जो है वो अपने में एक डिजीज है, वो एक सिम्टम नहीं है। ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है तो कहीं घुटने में दर्द होती है, तो वो चोट जो है वो हमें एक संकेत करती है कि जो दर्द है वो संकेत करता है कि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम फ्रेंडली पेन कहते हैं या एक्यूट पेन कहते हैं। ये फ्रेंडली पेन है, या मेरे को कल सवेरे गर्दन में दर्द है तो ये एक फ्रेंडली पेन है कि मुझे कल बल पड़ गया था, तो ये फ्रेंडली पेन है। क्रॉनिक पेन्स अपने में डिजीज हैं। जो क्रॉनिक पेन्स हैं, जो लंबे वक्फे के लिए पेन चलती हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप रिपीटेडली इलाज कर रहे हैं, उनको क्रॉनिक पेन्स कहते हैं, विच इटसेल्फ इज अ डिजीज। तो हमें डिजीज को रिकॉग्नाइज करना है, हमें एक उसको उतना ही एहतराम देना है उस डिजीज को जितना हम बाकी डिजीज को देते हैं।
हैं, तो वहां पे रोल आ जाता है डिफरेंटली पेन मेडिसिन का, जहां पे क्रॉनिक पेन्स का रोल आता है वहां पे क्रॉनिक मेडिसिन। बहुत सारे टूथेक्स होते हैं नहीं जाते हैं, तो उसमें ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया करके होता है, तो हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया पे फोकस करते हैं, या डेंटल पेन्स होती है, ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरोलॉजिया होगा, बहुत सारे न्यूरोलॉजिया होते हैं, न्यूरोलॉजिया मतलब नर्व पेन्स, उन पे फोकस करते हैं, मांसपेशियों की पेन्स पे फोकस करते हैं, बहुत सारी है, यहां तक कि जो डिस्क से रेडिकुलर पेन्स है उन सब पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये क्रॉनिक पेन्स है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट के। डॉक्टर साहब कोई केस ऐसा शेयर करेंगे हमारे साथ कि ऐसा पेशेंट वो लगातार ऑर्थो वाले के पास जा रहा है, ऑर्थो वाले के पास जा रहा है, आपके पास आता है तो ठीक हो जाता है? नहीं देखिए विनोद जी, बहुत ट्रिकी सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है, ये अपने में एक बहुत ट्रिकी सवाल है, मगर मैं हाँ एक चीज़ मैं आपसे शेयर डिफरेंटली करूँगा। क्या होता है कि बहुत बार रेडिकुलर पेन्स होती है, जैसे डिस्क जो है वो किसी नस के ऊपर बैठ गया है और नस की वजह से जो है वो दर्द जा रही है, गर्दन में नस की वजह से वो दर्द जा रही है, बाजू में, या हाथ सुनपन हो रहा है, या टांग सुनपन हो रही है, या इस टाइप कोई फीलिंग आ रही है पेशेंट में, बहुत एग्नाइजिंग पेन है, या पेन इतनी ज्यादा है पेशेंट को कि जिसको हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्कोर में मतलब आपके या मेरे माध्यम से इसको हम 100 आउट ऑफ 100 कह सकते हैं या 90 आउट ऑफ 100 कह सकते हैं, तो इस पेशेंट की मिजरेबल लाइफ होती है। उनमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जैसे परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ MIPS है कि मिनिमम इन्वेसिव पेन इन स्पाइनल इंटरवेंशंस में, जिनमें आप करते ही पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ दे सकते हैं, विच इज अदर देन द मेडिकेशन, मतलब दवाई खाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग वहां पे इमीडिएटली जो प्रोसीजर करेंगे उससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ जो है वो रिलीफ कांस्टेंट रिलीफ है वहां पे, और उससे काफी अच्छी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होती है। देखिए पेन में दो चीजें हैं, आप फिर मैं यही सिस्टम बता रहा हूँ, पेन में दो चीजें हैं, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम पेन की क्रॉनिक पेन की बात करते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जब हम पैलेटिव केयर की बात करते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ डेथ की बात करते हैं। पैलेटिव केयर में हमें क्वालिटी ऑफ डेथ को इंप्रूव करना होता है, और जब क्रॉनिक पेन होती है तो हमें पैलेटिव पेन में क्रॉनिक पेन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना होता है, तो ये एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां पे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको हमने इस टाइप का मेडिसिन दिए हैं। डॉक्टर साहब CA के पेशेंट्स बड़ी पेनफुल उनकी डेथ होती है और पेन बड़ी जबरदस्त होती है, वो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, और किस तरीके से उनको आप ट्रीट करते हैं? विनोद जी इसमें ना एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रॉपरली बना हुआ एक लैडर पैटर्न है जिसको हम स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं मेडिकेशन का। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लैडर 1 पे कौन सी मेडिकेशन देनी है, लैडर 2 पे आपको वीक ओपियोइड्स देने हैं, लैडर 3 पे आपको स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देने हैं, और लैडर 4 पे आपको इंटरवेंशंस करने हैं, जो इंटरवेंशंस हम करते हैं। ग्लोबली एक फिनोमेना चला है, जैसे हिंदुस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं तो इंटरवेंशंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस होता है, और इंटरवेंशन कभी भी जो है ये रिलोकेट हम कर सकते हैं किसी भी स्टेप पे, स्टेप 1 पे भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास ओपियोइड्स फुली अवेलेबल है गांधीनगर हॉस्पिटल में, हम ओपियोइड्स का यूज कर रहे हैं पेशेंट्स में, ओपियोइड्स पे बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है ऐसे पेशेंट्स को। पर जो चैलेंजिंग वर्क हमारे लिए है वो ये है कि हम गांधीनगर हॉस्पिटल में अब इंटरवेंशन भी कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स पे। जैसे हमारे सीलिएक प्लेक्सिस ब्लॉक है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस ब्लॉक है, ये अलग अलग प्लेक्सिस ब्लॉक हम बहुत पिछले 2 साल से 3 साल से किए जा रहे हैं, और वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। इससे जो है दवाई खाने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, मतलब आपको नीड मेडिसिन की कम पड़ जाती है, तो दे आर वंडरफुल थिंग्स जो अपकमिंग आ रही है पेन मेडिसिन में। जम्मू कश्मीर को छोड़कर के क्या बाहर से पेशेंट आते हैं आपके उत्तर भारत से? बिल्कुल, हमारे पास जो एडजॉइनिंग एरिया है विरोची आपका, पर्टिकुलरली ये चंबा कांगड़ा साइड में, आपका पठानकोट साइड में, यहाँ से पेशेंट आते हैं बिल्कुल हमारे पास, और यहाँ पे हमसे संपर्क करते हैं, मॉर्निंग में आते हैं हमारे पास एंड दे टेक द ट्रीटमेंट एंड समटाइम्स दे गो इन द इवनिंग, और विल सी टू इट कि अगर एक दिन एडमिट भी करना पड़े तो हम एडमिट भी रख लेते हैं उनको। क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है कि इसमें मेडिटेशन और योगा भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी हद तक? विनोद जी आप बार बार ना मुझे वो पकड़ पकड़ के उसी चीज पे ला रहे हैं, मगर मैं आपके माध्यम से जरूर एक चीज बताऊंगा कि योगा का एक बहुत पॉजिटिव प्लेस है। जब भी मैंने इंटरनेशनल फोरम पे कभी बात करने की कोशिश की इन सब चीजों को, तो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक ये मिला कि इंटरनेशनल फोरम पे जो फॉरेन डॉक्टर्स हैं वो योगा का एंडोर्स करते हैं, योगा को वो लोग वहां पे एंडोर्स करते हैं, और योगा का जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस मतलब कि इस ये कितने हद तक इस बीमारी पे कारगर होगी, तो उसकी एविडेंसेस बहुत हाई है। मेडिटेशन इसकी एविडेंसेस बहुत हाई है। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट जो है, अगर आप ये कहेंगे कि मैं सब कुछ मैं ही कर लूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं गलत हूं, तो इसमें ये एक एक्चुअली एक वर्कमैनशिप है जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो इस योगदान में अगर आपको एक कैफेटेरियल एटीट्यूड भी है, अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ रही है, जैसे आप शादी में जाते हैं तो आप 100 पकवान है आपके पास, आप
जाते ही अपनी चॉइस के पकवान के पास जाते हैं, तो लोगों के पास भी ये चॉइस होनी चाहिए और दे शुड ऑप्ट फॉर दिस। योगा इज डेफिनेटली ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू कनेक्ट विद द बॉडी, जहां पे अपनी बॉडी से कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन इज सो, तो आप इसके साथ डेफिनेटली दे डू वर्क वेरी वेल, वेरी वेल। दैट्स अ सर्वाइकल और डिस्क, ये कॉमन सा वर्ड होता जा रहा है ना, कम उम्र के लोगों में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किसी को लगता है कि सिम्टम्स, उसको तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, जो हम लोगों का पिछले 2 साल में जो रहने का, उठने का, बैठने का, काम करने का तरीका, वो यूजुअली सीटेड रहा है, नेक फ्लेक्स रही है, बेंड करके रही है, लैपटॉप्स पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पॉस्चर्स भी चेंज हुए हैं, काफी हद तक पॉस्चर चेंज हुए हैं। इस सब चीजों की वजह से जो नेक है ये स्ट्रेन पड़ रही है। सिंपल सा एक फंडामेंटल चीज ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो हेड है इसका वेट जो है ये करीबन करीबन 6 पाउंड के करीब करीब है, और अगर हम गर्दन को स्ट्रेट रखते हैं तो नेक के ऊपर 6 पाउंड के करीब करीब वेट पड़ता है, और जैसे ही हम इसको 15-15 डिग्री की झुकावट पे डालते हैं और जब इसको फुल झुकाते हैं हम, तो ये 28 पाउंड का वेट नेक पे पड़ता है। 28 पाउंड का वेट कॉन्स्टेंटली नेक पे एक मस्कुलर स्पाज्म करता है, एक बहुत ज्यादा स्पाज्म करता है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब जो कॉन्स्टेंटली लोग बैठे हुए हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, डिस्क डिजनरेट हो रहे हैं। कॉन्स्टेंट बैठने से डिस्क में डिजनरेशन होती है, कॉन्स्टेंटली सिटिंग से लंबर डिस्क डिजनरेट हो रहे हैं। उसकी जो लंबर डिस्क जो बन रहा, हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी का, मांसपेशियां इतनी है जो कनेक्टेड बोन्स के साथ है, लिगमेंट्स है, नर्व्स है। हम सिर्फ शरीर को बाहर से एक आंकड़े में देखते हैं, अगर शरीर की ऊपर वाली परत खोले तो हजारों परतें अंदर तक है, तो उन सब परतों पर स्ट्रेन पड़ता है आपके बैठने से, उठने से, खाने से, पीने से, हर एक चीज से। तो ये जो चीज है जो पिछले 2-2.5 साल में, और वैसे भी हमारी जो टेंडेंसी रही है चेंज होने की, तो इन सब चीजों से डिफरेंटली फर्क पड़ा हुआ है। नेक का जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सवाल आपने कहा था और डिस्क का सवाल कहा था, ऐसा है कि डिस्क अपने में एक अलग एंटिटी है और स्पॉन्डिलोसिस हम ऐसा होता है कि हम किसी आदमी को आप ये कहने जा रहे हैं कि भाई आप बूढ़े हो गए, वो कहेगा क्यों, कहेगा कि मेरे में हिम्मत नहीं चलने की, तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया भाई आप बूढ़े हो गए। जब किसी की नेक थोड़ी सी भी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वीक बोन्स होना स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट में आ जाती है प्रॉब्लम, तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम दे देते हैं, ऐसे ही लंबर स्पॉन्डिलोसिस का नाम दे देते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों ही डिफरेंट है। लेकिन एक लेमैन को कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स की बात कर रहा था मैं। देखिए, डिस्क जो है उसमें यूजुअली क्या होता है कि डिस्क डिजनरेट होता है, डिस्क डेफिनेटली पेन, लोकलाइज पेन भी कर सकता है, मगर डिस्क जब निकलता है तो वो जरूर आपको एक रेडिकुलर या रेफर्ड पेन करेगा, मतलब वो अपनी जगह से हटके कहीं और भी पेन करेगा, मतलब वो यहां से पेन स्टार्ट हुई, बाजू में नमनेस आई, बाजू में आपके पेन स्टार्ट हुई, टांग में पेन स्टार्ट हुई, पीछे कमर से। 90% जो लोग होते हैं ना, वो हमारे पास जब आते हैं तो वो यही कंप्लेंट करके आते हैं, मेरी टांग सुन हो रही है जी, कीड़ियां चल रही हैं, ये होते हैं, बखोड़े पड़ते हैं, फलाना चीज, तो वो पेन जो है वो संकेत अपने में कर रही है कि ये डिस्क की प्रॉब्लम है। जब लोकलाइज्ड पेन होती है किसी जगह, लोकल पेन जिसको हम लोकल लंबर की लोकल पेन है या सर्वाइकल की लोकल पेन है, तब हम इसको डिस्क के चांसेस हैं तब भी, बट कम चांसेस है एज कंपेयर टू, तब जो वर्ड यूज करते हैं हम उसको डिस्क डिजनरेशन कहते हैं, मतलब डिजनरेट हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। पर जब हम उसकी बात करते हैं तो वो डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज की बात करते हैं, वो एक अलग एंटिटी है। कॉमन इंसान के लिए सिंपल ये समझने की बात है, फिर विनोद जी आपकी तरफ से, आपके माध्यम से बताना कि कोई भी क्रॉनिक पेन है प्लीज इग्नोर मत कीजिए। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाके अपने डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहबान जो है उनको दिखाइए। आप कभी भी क्रॉनिक पेन्स को इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने अपने स्टाफ को कितना तैयार कर लिया पैलिएटिव केयर और पेन के लिए? देखिए, हमारे पास विनोद जी पेन का जो स्टाफ है वो ओटी का स्टाफ है हमारा, तो पैलिएटिव केयर का स्टाफ जो है वो हमारा थिएटर वहाँ पे वार्ड का स्टाफ है। पैलिएटिव केयर का स्टाफ जो है वो एम्स से ट्रेंड है, उनकी एम्स से ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल की ट्रेनिंग अंडर CTC प्रोग्राम जो हुई थी, APHN एशिया पैसिफिक हॉस्पिटल नेटवर्क सिंगापुर ने उसकी फंडिंग की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। सवाल रहा हमारा थिएटर का स्टाफ है, थिएटर के स्टाफ पे मेरा पूरा दारोमदार है, क्योंकि जितने भी मेरे इंटरवेंशन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारा थिएटर के स्टाफ पे ही होता है। और जो थिएटर का स्टाफ है वो अब पिछले 6 साल में मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से बेटर
ट्रेंड है करने में. इनिशियली हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट हम बैठ के डिस्कस किए, हमने वो अनलॉक्स बनाए, हमने वो मैनिक्यून्स पे काम किया और वो हम उस पर पहुंच गए. अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक प्रोसीजर करना हो तो मुझे अपने स्टाफ को बोलना सिर्फ इतना पड़ता है कि ये प्रोसीजर करना है तो फोकसिंग उसी समय हो जाती है, या हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर करना तो हम तैयार रहते हैं, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार. रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत रहती है वक्त, बिल्कुल रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत होती है जिसमें मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज का भंडार है दुनिया में. जब मैं कोरिया गया था सीखने के लिए एक साल, तो मुझे तो लगा कि मैं बिल्कुल रहा हूँ उस समय, मेरे को तो सब चीज़ें नहीं लगी थी एंटायरली बिल्कुल, या इंटरनेशनल फोरम्स में जब हम बात करते हैं. अब तो हम कहीं पर मतलब देखिए, आज ऐसा मकाम आ गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम पर बात करता है एक अपनी एक चीज़ को लेकर भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हैं, उन सब चीज़ों को बात करते हैं. पर जब सीखने की बारी आए तो मैं ये कहूँगा कि जाते समय भी भगवान से ये मांग के जाओ कि मैं इस दुनिया से कुछ सीखते हुए जाऊँ, वो उसका भी मजा ही अपना है. नॉस्को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अभी भी राइट्स नहीं मिल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है कि हमने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को सारे राइट्स दिलवाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. दर्शकों, 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35(1) रिपील किया गया, और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, गोरखा बरादरी हो या बाकी दीगर, उनको वोटिंग राइट मिला, मालिकाना हकूक मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में. आज भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है उन्हीं को जमीन खरीदने का अधिकार है. लबाराम गांधी जो इतनी बड़ी लंबी एजिटेशन लड़ रहे, वो हमारे साथ मौजूद है. गांधी साहब, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, पहले तो जब ये धारा 370 और 35 खत्म हुई और हमने हमारे में इतनी खुशी आई कि हम भी अपना जो मकान है जहां हम रहते हैं वो अपने नाम करवा लेंगे, जहां जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है वो 2-4 मरले जगह खरीद के अपना मकान जो है वो बना सकता है. लेकिन जब बारी आई रजिस्ट्रेशन की तो वहां से कोरा जवाब मिला कि रजिस्ट्रेशन उसी की होगी, जमीन उसी के नाम पे होगी जिसके पास जम्मू का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा, और आज भी जो रजिस्ट्रेशन है उसी पैटर्न पे हो रही है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने डोमिसाइल हमें इशू किया है तो फिर डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, तो फिर डोमिसाइल पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए. तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी तो फिर डोमिसाइल देने का कोई मतलब नहीं. बहुत बड़ा इशू है, क्या आपने इसको लेकर के डिविजनल कमिश्नर से बातचीत की? बड़ा सेंसिटिव इशू है. देखिए, आप डिविजन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मैं तो दिल्ली तक होम मिनिस्ट्री तक ये लेटर लिख के दे आया हूँ. अभी जब 24 तारीख को जहाँ माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए थे तो हमने एक मेमोरेंडम तैयार करके रखा था कि ये में हमें फेस हो रही है, जहां तक कि जहां भी हम जाते हैं कोई बेनिफिट्स जो है वो हमें डोमिसाइल का मिल रहा है हमारे बच्चों को. इवन कि जहां पुलिस की भर्ती थी तो बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने चेक नहीं किए, बच्चों को बाहर निकाल दिया कि ये उन्हीं के भर्ती उन्हीं के लिए हुई है जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट जिनका स्टेट सब्जेक्ट बना है. तो यहां तो हमें मौका नहीं मिला उनको मेमोरेंडम देने का, लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं दिल्ली चला गया और होम मिनिस्ट्री में मैंने वो मेमोरेंडम पहुंचाया. तो मेरे ख्याल उससे बड़ा और कौन सा दरवाजा हमारे लिए, होम मिनिस्ट्री से तो ऊपर कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है. बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, हमें तो कोई सिर्फ कागजों में दिख रहा है. आज भी जो छोटे ऑफिस हैं, जैसे लाडली बेटी स्कीम की मैं बात करूं या गवर्नमेंट स्कीम जो सेंटर की आती हैं उनकी बात करूं, तो उनके पास भी कोरा जवाब है कि हमें रिटर्न में कोई आदेश नहीं मिला. जब तक हमें रिटर्न में आदेश नहीं मिलेगा हम कैसे डोमिसाइल को एक्सेप्ट करें. लेकिन आपको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो खूब आपको बेचते हैं कि देखिए जी, हमने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट दिए जो कितने दशकों से नहीं मिल रहे थे. देखिए, बातें तो बहुत हैं लेकिन हमें काम चाहिए ग्राउंड पे. ग्राउंड पे तो जीरो है. इवन के कितनी देर पहले यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन आया था और मैंने उस समय एक गुहार लगाई थी कि हमें अगर वोटिंग राइट मिला है तो एक सर्कुलर जारी करो ताकि हमारे लोगों का जो है इलेक्शन से पहले पहले वोट जो है वो बन जाए, ताकि इलेक्शन के समय किसी को ये दिक्कत ना आए और ये लोग बड़ी खुशी के साथ अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके. लेकिन आज तक यहाँ की जो यूटी गवर्नमेंट्स है जम्मू कश्मीर की, इन्होंने आज तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज गोरखा या वाल्मीकि समाज के लिए कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया जिससे हमारे जो वोट जो है वो बन सकते. इन्होंने इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले ये आदेश करेंगे जारी कि जिन जिनका वोट रह गया वो बना लो, तो वो कॉमन इशू हो गया.
सब सब लोगों के लिए होगा जो जम्मू के रहने वाले हैं, तो उसमें हमारे लोग फिर रह जाएंगे। हो सकता है उस समय जो हमारे जो गांव में मास्टर्स होते हैं जिनको वीएलओ की ड्यूटी दी है, वो कहेंगे कि डोमिसाइल पे आपका वोट भी नहीं बनेगा, आपको स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें तो हमने हर एक जगह पहुँचाई है, हर अफसर से हमने गुहार लगाई है, लेकिन कागजों में आगे अगर देखा जाए तो कोई रिजल्ट जो है वो जीरो है। आपसे पूछना चाहिए किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि एक उम्मीद बंधी थी और ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं 5 अगस्त को। सर ऐसा है, 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट में इन्होंने ये किया कि डोमिसाइल्स इशू किए, और डोमिसाइल भी इन्होंने क्या किए कि 2-3 टाइप के कर दिए, और जो पीआरसी वाले हैं उनके लिए सेपरेट डोमिसाइल है, जो हमारे जैसे वेस्ट पैक्स रिफ्यूजी हैं इनके लिए सेपरेट है, और जो बाहर के लोग आउट ऑफ स्टेट वाले उनको सेपरेट है। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म कहाँ हुआ? ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, तो सबका विकास हमारा तो हो नहीं रहा। हमारी जो पॉपुलेशन है लाखों के हिसाब से है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिल रही है? ना तो उनको इसमें लोकल बॉडीज में मिल रही है, और ना अभी जो डिलिमिनेशन जो कमीशन हुआ है उसमें कहीं हमारा जिक्र भी नहीं है, जबकि हम 70 साल से कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। अगर हमें कामल के कभी अपना डोमिसाइल दिया किसी को, किसी ने रिजेक्ट किया हो? नहीं, हमने अभी डोमिसाइल मैंने पर्सनल अपना नहीं दिया है, लेकिन जो जब जाते हैं लोगों के बीच में तो लोग ये पूछते हैं कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो एक सिंपल कागज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, और गाँव में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ खान लिवलीहुड का है एग्रीकल्चर, वो चाहते हैं कि कम से कम हम एग्रीकल्चर एक नाल जो लैंड है उसको खरीद सकें, अपने घर के लिए कुछ लैंड खरीद सकें, तो वो तो आदेश इसमें तो नहीं खरीद सकते, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदेश है। क्या लगता है सरदार साहब कि आपके साथ धोखा किया गया? बहुत ज़्यादा धोखा किया, इससे ज़्यादा धोखा और क्या कर सकते हैं। अंधे के आगे ढोल बजाना, डोरे के आगे ढोल बजाना और नाचना, ये हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। बीजेपी विश्वासन कुछ और देती है, करती कुछ और है। हम यहां तक दुखी हैं कि मेरा भतीजा ही गया था जमीन खरीदने के लिए, आपने ना कराने के लिए रजिस्ट्री करानी थी, उन्होंने बोला आप कहां से आए हो, आपके पास तो स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए। वो वापस आ गया, मेरे को बोला था जी आप किस लिए जाते हो रोज मीटिंगों में, किस लिए जाते हो मीडिया के पास अपनी खबर रखने के लिए, हमारे पास तो वैल्यू कोई नहीं है। वो दुखी हो गया, एक साल में आज बाहर चले गया है, लेकिन करें क्या, सुनता ही कोई नहीं है। नीचे तहसीलदार को चले जाओ, किसी और अफसर के पास चले जाओ, वो यही मांगता पहले स्टेट सर्टिफिकेट दो अपना, तो कहाँ से दे स्टेट, जहाँ बोल दे पहचान पत्र दो पाकिस्तान की, कहाँ से लाए, जान बचा कर तो बाके आए इधर, जान बचा कर तो बुजुर्ग हमारे इधर आए थे, लेकिन आधे काटे गए आधे पहुंच गए, लेकिन आज भी कुछ नहीं है, बोलते पहचान पत्र दो जी तुम्हारे पास। आपको नहीं लगता कि आप में भी कमियां हैं? जब गवर्नमेंट ने ये बोला है स्पष्ट रूप से, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही साफ कहा गया है कि सारे राइट्स जो है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वाल्मीकि समाज गोरखा बिरादरी को मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला ना सर, नोटिफिकेशन निकाले ना, फिर हमें पता चलेगा, नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाए, तहसीलदारों के पास आ जाए, डीसी के पास आ जाए, फिर हम जाके उनको बोले भाई नोटिफिकेशन आया, निकालो कॉपी दो हमें, सेंटर ही हमें उसकी एक कॉपी दे दे, क्यों नहीं देती सेंटर हमें कॉपी उसकी, वो कॉपी दे दे हमारे प्रधान साहब को, फिर हम प्रधान साहब को पकड़ेंगे, प्रधान साहब ये कॉपी आई है आप इनको क्यों नहीं गले में रसा फान दे। हम तो बहुत दुखी हो रखे हैं हर शहर से, ये क्लेम देना था 30 लाख रुपए का, वो भी आज 5.5 दे रहे हैं, वो भी आज 100 आदमी को मिला, बाकी सारा पेंडिंग रखा हुआ केस इन्होंने, कहां जाए किसके आगे फरियाद करे, बड़े से बड़े के आगे फरियाद कर ली, सबसे बड़ा हमारा तो क्या अमित शाह है गृहमंत्री जी, उनके आगे फरियाद हमारी चलेगी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो भी ऐसा है कि हाँ हमने कर रहे हैं कर दिया, ना कुछ हुआ ना कुछ किया। अब क्या लगता है कि डेलिबरेटली ऐसा किया जा रहा है? सर बस पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं बड़े खुश हुए थे 5 अगस्त 2019 को जब यह ऐतिहासिक फैसला हुआ था कि हमें यहाँ के नागरिक बनाया गया, यहाँ के धारा 337 को ख़त्म करके, लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक हमें, जैसे हमारे प्रधान जी अभी बोल रहे थे कि रिटर्न में भी हमें ये अभी ऑफिस में ये नहीं दिया गया इन लोगों के यहाँ के बोर्ड बनाए जाएँ असेंबली के लिए, पंचायत के लिए या पंचों के लिए बोर्ड बनाए जाएँ।
सेंटर पे हमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जे एंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ कहाँ रुकावट आती है कोई पता नहीं चलता हमें, क्या हमारे बस पाकिस्तानियों में क्या सौतेला व्यवहार करते हैं ये समझ नहीं आ रही। आज भी ये लोग हमें वही दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि ये बाहर के लोग हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये धारा 335 तोड़ के हमें यहाँ का नागरिक बना दिया। आप ब्यूरोक्रेसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? बिल्कुल सर, सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पूरा रोल है यहाँ पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे बसने चाहिए। जी, आपको आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है और ना ही आपने प्रयास किया है? देखो सर, वोटर लिस्ट में अभी कुछ लोग वोट बन गए हैं जी, कुछ के बने हैं, कुछ के बने हैं तो कुछ के अभी नहीं बने हैं। थोड़ा सा जब पंचायती इलेक्शन हुई थी ना तो अभी अलो ने वोट बनाए थे, मगर जो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी है ना, जो इनका जो डोमिसाइल बनाया ना गवर्नमेंट ने, एक तहसीलदार ने बना के दे दिया डोमिसाइल, ये लो रख लो ये फटका, एक घर में लगा दो, शीशे में मड़ा के रख दो इसको, तो इसको देखते रहो, ना तो इस पर कोई जमीन मिलती है तो ना कुछ। मगर इन्होंने दो फर्क रख दिए हैं, जो स्टेट हेड होल्डर थे उनका अलग बना दिया है, वो इनका अलग बना दिया है। मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 370 तोड़ी है तो ये सबको एक जैसा करना चाहिए था उन्होंने, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल इन्होंने डिफेंस रखा है थोड़ा सा, हाँ भाई ये तो ऐसे रहेंगे, इन्होंने अगर करना तो सबको एक कर दो, पर नहीं करना तो रहने दो, क्या फायदा 370 तोड़ने का, जो पहले तो ऐसे ही रहना चाहिए था, जो ड्यूटी बढ़ा दिया उसको क्या फायदा, उल्टा नुकसान हो रहा है। चलिए अब रघुराम गांधी से आखिरी सवाल पूछते हैं, रघुराम गांधी जी अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? देखिए जनता बहुत दुखी है, जब भी कहीं मीटिंग में जाता हूं तो सबसे पहले हमें यही सुनने पड़ता है लोगों से। अभी दो दिन पहले मेरा जीडी में प्रोग्राम था तो लोगों की यही समस्या थी कि आखिर डोमिसाइल तो हमें मिला लेकिन उस डोमिसाइल का हमें फायदा क्या मिला, इवन के यो गवर्नमेंट की तरफ से अभी पैडी क्रॉप्स का कितना नुकसान हुआ है, मुआवजा मिलने की बात, हमारे नाम पे है कुछ नहीं, हमारे लोगों ने किसी दूसरे के खेत में काम किया है, खर्चा हमने किया, मेहनत हमने की है, लेकिन उसका जो कंपनसेशन है वो दूसरे आदमी को मिलेगा जिसके नाम पे जमीन होगी, तो ये सारी समस्या जो है ये इसी कारण आ रही है कि हमारे नाम पे जो जमीनें हैं वो हमारे नाम पे नहीं है। यहाँ क्या करेंगे आप? नहीं अभी तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में, लेकिन कोशिश है हमारी, कोविड की वजह से हम थोड़ा सा मजबूर हैं, मैं आपको सच बता दूं, लोगों का तो योश बहुत है कि सड़कों पर निकले, लेकिन मैं कहता हूं कि यार कोविड की समस्या है, सड़कों पर निकलना हमारे लिए ठीक नहीं, कल को कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी तो वो कहेंगे कि वैसे पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने जम्मू में जाके हल्ला किया और जो बीमारी बढ़ी, तो उसको देखते मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ा सा ढीले हैं, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट जहिर भैया रहा तो हमें मजबूर सड़कों पे आना पड़ेगा और दिल्ली कूच करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में हों या बड़े मंच में हों किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को बेचते हैं, अपने वोट बैंक के लिए वो कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हमने मालिकाना हकूक दिए, वोटिंग राइट दिए जो पिछले 70 सालों से किसी ने नहीं दिए, लेकिन सदाकत आपने सुनी, सच्चाई आपने सुनी कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ एक कागज थमाया गया है जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और कोई भी मालिकाना हकूक अभी तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नहीं मिले। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दो 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे।